तो उस लड़ाई झगड़े की वजह से जो बुजुर्ग माता पिता को उम्र के इस पड़ाव पर आकर के शांति से जीने का जो हक है वो भी कहीं ना कहीं छिन जाता है। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे सवाल पूछा है कि उन्होंने बहुत हंसी खुशी से शादी की थी, लेकिन शादी के कुछ ही दिन के बाद पति और पत्नी के बीच में बहुत सारे मनमुटाव हुए, और कुछ समय के बाद जब मनमुटाव बहुत ज्यादा बढ़ गए और घर में एक साथ रहना मुश्किल हो गया तो पति तो उस घर को छोड़ करके अलग हो गया, क्योंकि उसके माता पिता उम्र के ऐसे दौर पर थे जहां उनको शांति पसंद थी, लेकिन उन दोनों की लड़ाई झगड़ों की वजह से उनके शांति प्रिय जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी आ रही थी। ठीक इसी तरह की स्थितियां बहुत सारे घरों में होती हैं और सभी लोग ये बहुत परेशान रहते हैं कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए अगर बहू उस घर पर अधिकार जमा ले। आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ लैंडमार्क जजमेंट का हवाला देते हुए आप सभी को बताना चाहूंगी कि हाई कोर्ट ने इसी तरह के एक फैसले में सास और ससुर के फेवर में फैसला सुनाया है। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हो तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस और लैंडमार्क जजमेंट्स की सूचना सबसे पहले मिल सके। साझे घर में निवास के अधिकार को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि साझे घर में पत्नी के रहने का अधिकार स्थायी नहीं है, खासकर जब संपत्ति के मालिक ससुराल वाले हों और वो उस बहू को उस घर से बेदखल करना चाहते हों। सास ससुर के साथ रहने वाली एक बहू ने घर से बेदखल किए जाने के निचली कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दायर की थी। कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत निवास का जो अधिकार है वो साझा घर के अंदर संपूर्ण अधिकार नहीं है, खासकर जब बहू अपने बुजुर्ग सास ससुर के खिलाफ खड़ी हो। कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि संयुक्त घर के मामले में संबंधित संपत्ति के मालिक पर अपनी बहू को बेदखल करने को लेकर के कोई भी रोक नहीं लगाई जा सकती। इस ससुर ने अपनी बहू के खिलाफ 2016 में निचली अदालत में इस आधार पर कब्जे के लिए एक मुकदमा दायर किया था कि वो इस संपत्ति का संपूर्ण मालिक है, उनका जो बेटा है वो किसी और अन्य जगह पर उसकी ट्रांसफर हो चुकी है और अब वो अपनी उस बहू के साथ रहने के लिए खुश नहीं है, इच्छुक नहीं है, क्योंकि उस बहू ने शादी के दूसरे दिन से ही लेकर के बात बात पर घर में कलह की थी। जस्टिस योगेश खन्ना जी ने इस लैंडमार्क जजमेंट में आगे ये भी कहा कि इस केस में सास और ससुर दोनों ही वरिष्ठ नागरिक हैं, यानी कि सीनियर सिटीजन हैं और उनकी उम्र 74 साल और 69 साल है। अपने जीवन के इस पड़ाव पर वे शांतिपूर्वक ढंग से रहने के हकदार हैं। उन्हें अपने बेटे और बहू के बीच विवाद से परेशान नहीं किया जाना चाहिए। आप सभी ने अक्सर ये महसूस किया होगा कि जब भी पति और पत्नी के बीच में विवाद उत्पन्न होते हैं और उन विवादों से जो परेशानी घर के अंदर आती है उसकी वजह से घर के अंदर बहुत ही कलेश होता है और उनके उस कलेशपूर्ण जीवन की वजह से सीनियर सिटीजन हो चुके उनके माता पिता, जो कि इस जीवन के इस पड़ाव पर शांति के साथ रहने के हकदार हैं, उन्हें भी परेशान किया जाता है। तो जस्टिस योगेश खन्ना जी ने ये दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले में राहत दी है बुजुर्ग सास और ससुर को। हालांकि इस कोर्ट के इस फैसले में आगे जस्टिस योगेश खन्ना जी ने यह भी कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत महिलाओं को एक सुरक्षा भी मिली हुई है कि उनको एक अधिकार मिले रहने का, तो उन प्रावधानों के तहत पति को अपनी पत्नी के लिए कोई भी एक अल्टरनेटिव जगह
उपलब्ध करानी होगी, और जब तक वो उस जगह को उसके लिए उपलब्ध नहीं कराएगा तब तक उसको उस घर से बाहर नहीं निकाला जा सकता। इस बहू ने निचली कोर्ट में अर्जी देते हुए ये कहा था कि वो लीगली वेडेड वाइफ हैं और लीगली वेडेड वाइफ होने के नाते वो अपनी दो नाबालिग बेटियों के साथ एक कमरे और उसके साथ लगी हुई बालकनी में रह रही हैं। इस घर पर मालिकाना हक सास ससुर का है। उन्होंने याचिका में ये भी कहा था कि ये जो संपत्ति है ये संयुक्त रूप से घर के पैसे और ससुराल वालों की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी कि पैतृक संपत्ति को बेचकर खरीदी हुई है, तो ऐसे में इस परिवार की प्रॉपर्टी के अंदर इस बहू का भी रहने का हक है। ये दावा किया था बहू ने निचली कोर्ट में। ट्रायल कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि प्रॉपर्टी उसके ससुर ने खरीदी थी और वो बहू के तौर पर उस घर में सिर्फ रह रही थी। अगर ससुराल पक्ष उसे अपने साथ नहीं रखना चाहता तो उसके पास इस प्रॉपर्टी में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है, और इसी आदेश के खिलाफ उक्त बहू ने दिल्ली हाई कोर्ट में ये याचिका दायर की, लेकिन फिर भी हाई कोर्ट का फैसला उसके खिलाफ ही आया। आशा करती हूँ कि आप सभी को आज के इस वीडियो में बहुत अच्छी तरह से ये पता चल गया होगा कि अगर किसी भी सास और ससुर ने अपनी सेल्फ अर्न्ड प्रॉपर्टी से कोई भी जगह खरीदी है, कोई भी मकान खरीदा है, और उस मकान में शादी होकर के बहू साथ में रहना लग जाती है, लेकिन कुछ मनमुटाव की वजह से अगर बेटा वहां से ट्रांसफर हो जाता है, चाहे वो ऑफिस की वजह से या किसी और वजह से, और उस सास ससुर को उस बहू के अपने साथ रहने में परेशानी है, तो वो उनको बाहर निकालने के लिए कोर्ट में दायर कर सकती हैं दावा। और जस्टिस योगेश खन्ना की इस लैंडमार्क जजमेंट के बाद सभी बुजुर्ग सास ससुर को बहुत ही राहत की सांस आई है और चारों तरफ खुशी की लहर उमड़ रही है, क्योंकि इसी तरह के मनमुटावों के चलते हुए या पति और पत्नी के क्लेश को देखते हुए या पति और पत्नी के बीच में लिटिगेशन को देखते हुए जब बहुत ज्यादा उनके बीच में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, तो उस लड़ाई झगड़े की वजह से जो बुजुर्ग माता पिता को उम्र के इस पड़ाव पर आकर के शांति से जीने का जो हक है वो भी कहीं ना कहीं छिन जाता है, तो यहाँ जस्टिस योगेश खन्ना जी ने सभी बुजुर्ग माता पिता के लिए एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट दी है, बहुत ही खूबसूरत फैसला सुनाया है। और मैं आशा करती हूँ कि इस फैसले का यूज करते हुए अगर ऐसी ही स्थितियों से आपको भी दो चार होना पड़ रहा है तो आप अपने केस में अपनी प्रॉपर्टी पर बहू का दावे को हटा सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस और लेटेस्ट कानूनी समाचार सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।